वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं हूं आपके साथ काजू ठाकुर। हरियाणा के बाद अब झारखंड में अपराधियों ने एक पुलिस अफसर की वाहन से कुचलकर हत्या कर दी। रांची के तुपुदाना इलाके में एक पिकअप वैन के ड्राइवर ने महिला दारोगा को कुचलकर मार डाला है। और बताया जा रहा है कि रात 2 बजे संध्या टोपनो को सूचना मिली कि जानवरों से लदा एक पिकअप वैन उनके इलाके से निकलेगा। इसके बाद उन्होंने गाड़ियों की चेकिंग शुरू की। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के बाद अब झारखंड में अपराधियों ने एक पुलिस अफसर के वाहन से कुचलकर हत्या कर दी। रांची के तुपुदाना इलाके में एक पिकअप वैन के ड्राइवर ने महिला दारोगा को कुचलकर मार डाला। घटना मंगलवार देर रात करीब 3 बजे की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि रात 2 बजे संध्या टोपनो को सूचना मिली कि जानवरों से लदा एक पिकअप वैन उनके इलाके से निकलेगा। इसके बाद उन्होंने गाड़ियों की चेकिंग शुरू की। वो एक कार की चेकिंग के बाद पिकअप वैन को रुकवा ही रही थी, तभी वो उन्हें कुचलते हुए तेज रफ्तार से निकल गया। संध्या टोपनो के साथ थाने के 2 और सिपाही भी चेकिंग के दौरान मौजूद थे। घटना के बाद पुलिस पिकअप वैन का पीछा करने लगी। थोड़ी दूर जाकर पिकअप वैन पलट गई। पुलिस ने उसमें सवार ड्राइवर समेत 2 लोगों को पकड़ लिया। उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं संध्या टोपनो का शव राजधानी स्थित रिम्स लाया गया। देखिए, झारखंड में उपद्रवी और असामाजिक तत्वों का मनोबल इतना बढ़ गया कि आज सुबह सुबह उन्होंने एक पुलिस अफसर को तुपुदाना के पास अपने वाहन से रौंद दिया और उनकी शहादत हो गई। ये जानकारी मिली थी कि कुछ पशु तस्कर अवैध रूप से पशुओं को ले जा रहे हैं, जिसकी चेकिंग के दौरान इन्होंने अपने वाहन को इस पुलिस अधिकारी के ऊपर चढ़ा दिया। तो 10 जून को जो रांची में हुआ था, जो कुछ ही सैकड़ों लोगों ने पूरे रांची को अपने गिरफ्त में, सिटी को सीज में रखा था। कभी प्रतिबंधित मांस यहाँ शहर में फेंका जाता है, तो ऐसे उपद्रवी असामाजिक तत्वों को इस सरकार में क्यों बढ़ावा मिल रहा है? संध्या की माँ स्नेहलता टोपनो ने बताया कि संध्या शुरू से लड़कों के कपड़े पहनती थी। वो शुरू से ही पुलिस अफसर बनना चाहती थी। उसके लिए वो कड़ी मेहनत करती थी। वो मेरी बेटी नहीं, बेटा थी। उन्होंने बताया कि जब तक उसके पापा थे, तब तक उसको इस तरह की सर्विस की तरफ जाने नहीं दिया। पिता की मौत के बाद चुपचाप उसने फॉर्म भरा। उसका चयन भी हो गया तो वो चली गई। संध्या टोपनो 2018 बैच की SI थी। तब से उनकी इसी इलाके में पोस्टिंग थी। इससे पहले हरियाणा के नूह जिले में मंगलवार को ऐसी ही घटना हुई। चेकिंग के दौरान खनन माफियाओं ने DSP पर डंपर चढ़ा दिया। DSP सुरेंद्र सिंह यहां छापा मारने आए थे। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के करीब 4 घंटे बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश में आसपास के कई गांवों को घेर लिया। पुलिस और DSP की हत्या में शामिल खनन माफियाओं के बीच पंच गांव की पहाड़ी पर केले में एनकाउंटर हुआ। ये जगह DSP की हत्या वाली जगह से कुछ ही दूर है। इस एनकाउंटर में डंपर के क्लीनर इकरार के पैर में गोली लगी। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रेखा, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है आपका। और प्रतुल शहदेव, BJP प्रवक्ता। प्रतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राकेश सिन्हा, कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत स्वागत है आपका। राकेश जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, समय हमारे देश में खाकी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो हरियाणा की बात हो या फिर रांची की बात हो। नहीं, देखिए काजल जी, इसमें ये नहीं कहा जा सकता। मैं सबसे पहले संध्या टोपनो जी के जज्बे को, उनकी कर्मठता को सैल्यूट करता हूं, नमन करता हूं, जिन्होंने उड़ीसा से चली आ रही गाड़ी को रात को 1:30 बजे पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ अपनी ड्यूटी निभाते हुए उस गाड़ी को पकड़ने का उन्होंने प्रयास किया। तो कहीं ना कहीं हम यह कह सकते हैं कि ये जो खाकी का वर्दी है, ये स्वाभाविक तौर पे इस संवेदनशील सरकार में पूरी तरह संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है।
राकेश जी खाकी काम कर रही है लेकिन सुरक्षा उनको नहीं मिल पा रही है। नहीं मैं ये देखिए इसको आप इस रूप में ले काजल जी कि रात्रि को वो वैन उड़ीसा से चलने के बाद गुमला होते हुए वो टुपुदाना की ओर प्रवेश किया, जहां गुमला पुलिस ने उसको अलर्ट किया। तो स्वाभाविक तौर पे हम ये कह सकते हैं कि देखिए ये राकेश जी आप इस तरह से क्यों नहीं ले रहे कि रांची में हत्या की साजिश है ये, रांची में इस तरह से क्यों नहीं ले रहे हैं? आप कहानी सुना रहे हैं कहां से कहां तक पिकअप चलती है, कहां से मुड़ती है, वो सारी कहानी सुना रहे हैं। जो मैं पूछ रही हूं उसका जवाब नहीं दे रहे हो आप सीधे सीधे। काजल जी अगर किसी की मौत होती है, कोई शहीद होता है, तो वो कहानी नहीं बनती, बल्कि उसके जज्बे को, उसके प्रतिबद्धता को, उसका वीरता को सलाम किया जाता है। हुआ क्यों और ये कहानी नहीं हो सकती। राकेश जी ये हुआ क्यों है? अच्छा ये बताइए क्यों हुआ ये? देखिए मैं तो कह रहा हूं ना कि उड़ीसा से वो गाड़ी उड़ीसा से चली। स्वाभाविक तौर पे मैं ये कह रहा हूं उसमें मवेशी लोड थे, ड्राइवर वो भगा रहा था कि ताकि पुलिस उसको पकड़े नहीं, लेकिन झारखंड की पुलिस पूरी तरह संवेदनशीलता के साथ उसका पीछा कर रही थी। गौ तस्करी हो रही थी कि नहीं राकेश जी? गौ तस्करी हो रही थी कि नहीं हो रही थी ये बताइए पहले। मैडम झारखंड से गौ तस्करी नहीं हो रही थी, ये गौ तस्करी उड़ीसा से हो रही थी जो झारखंड होते हुए जा रहा था। झारखंड होते हुए जा रहा था क्योंकि झारखंड में डर नहीं था इसीलिए होते हुए जा रहा था। ये तो मैडम ये तो टीआरपी का विषय हो सकता है आपके लिए। टीआरपी का विषय नहीं है झारखंड में। नहीं ये टीआरपी का विषय नहीं है, आप तो सवाल का जवाब ही नहीं देना चाह रहे हो। अगर झारखंड में डर नहीं था तो 3 बजे 1:30 बजे रात को हमारी प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ सड़कों पे खड़ी थी और पकड़ी 1:30 बजे रात को पूरी मुस्तैदी के साथ प्रशासन खड़ी थी। इस बात को तो कोई भी नहीं नकार रहा है राकेश जी, ये बात कोई नकार नहीं रहा है, ये सबको पता है। सबको पता है कि दारोगा शहीद हुई है, ये सबको पता है, और पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ वहां पर खड़ी थी, ये भी सबको पता है। लेकिन तो ये हुआ फिर क्यों? दरोगा के शहादत पे राजनीति क्यों? कौन कर रहा है दरोगा के शहादत पे राजनीति? राजनीति कोई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपसे सवाल पूछ रही हूँ। मैं सिर्फ आपसे कौन कर रहा है यहाँ पर राजनीति? कोई राजनीति नहीं कर रहा हूँ। महिला दारोगा को कुचला गया है, शहादत का दर्जा उनको दिया जा रहा है, शहीद उनको कहा जा रहा है, ये सबको पता है। और वो एक मिनट सुन लीजिए वो किस तरीके से वहां पर खड़ी थी, पूरे हौसले के साथ वहां पर खड़ी थी, उन्होंने रोकने की पिकअप को पूरी कोशिश की, ये सबको पता है। लेकिन वहां पर कुचला गया है, ये क्यों कुचला गया, क्यों हुआ है? क्योंकि गौ तस्करों के अंदर डर नहीं है। मुद्दा यह है कि गौ तस्करों के अंदर डर नहीं है। राकेश जी इस बात का जवाब दीजिए, राजनीति की बात ही नहीं है। काजल जी आप मेरी जवाब तो सुने, सुनाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि वो गौ तस्करी झारखंड से नहीं हो रहा था, वो गौ तस्करी उड़ीसा से हो रहा था। उड़ीसा से वो गौ तस्करी हो रहा था जो झारखंड में पकड़ाया। हमारी संवेदनशील प्रशासन ने उस पिकअप वैन को भी पकड़ा, उसके ड्राइवर को भी पकड़ा, वो पकड़ाया है झारखंड में। झारखंड में वो बार बार उड़ीसा को लेकर आ रहे हैं, प्रतुल जी खाकी सुरक्षित नहीं है। हरियाणा को देख लेते हैं या फिर रांची को देख लेते हैं, खाकी कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। कहानी चाहे कहीं की भी सुना ली जाए, पुलिस पूरे हौसले के साथ खड़ी हुई है, पुलिस पूरे हौसले के साथ अपना काम कर रही है, सरकार चाहे कोई भी हो, लेकिन उसका नतीजा पुलिस को भुगतना पड़ता है ईमानदारी का। काजल जी सबसे पहले जो हमारी आदिवासी बेटी शहीद हुई है उनकी शहादत को सलाम। और मैं 10 मिनट तक मैंने राकेश जी को बिना टोके हुए सुना, तो मुझे लगता है कम से कम आधा समय आप मुझे जरूर देंगे, क्योंकि ये चीज उतनी प्लेन एंड सिंपल नहीं है जितना राकेश जी ने बताने की कोशिश की। देखिए गोवंश की तस्करी इस प्रदेश में लगातार पिछले 2-3 वर्षों में बढ़ी है। 3 छोटे उदाहरण मैं देता हूं आपको। 10 जून 2022 को सीमन बेड़ा सरायकेला में 3 FIR हुआ प्रतिबंधित मांस की बिक्री और ले जाने को लेकर। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाने में 40 किलोग्राम गोवंश के मांस का रिकवरी हुआ। 11 जून 2021 को जमशेदपुर के बिष्टुपुर पुलिस ने 500 किलोग्राम प्रतिबंधित मांस को रिकवर किया।
तो ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है। इस राज्य में एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है जिसको बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से सत्ता में भी इसको संरक्षण मिल रहा है। और कुछ बड़े प्रश्न हैं जो मैं भी ये जानना चाहूंगा जिसका उत्तर। बेटी की शहादत को सलाम है साहब, सच में उन्होंने जो जज्बा दिखाया वो अकल्पनीय था। तीन बड़े प्रश्न उठते हैं। जिस तुपुदाना थाने के अंतर्गत ये घटना हुई वहां 10 पुरुष पदाधिकारी थे, फिर ये नाइट शिफ्ट में इस बेटी की ही ड्यूटी क्यों लगाई गई जबकि वो प्रोटेस्ट करती थी। आज उसकी माँ ने चैनलों में बताया, जब मैं उनके घर गया था, सत्ता पक्ष का कोई उसमें नेता आया नहीं था लेकिन हम लोग सब गए थे वहां, उनकी माँ ने चैनलों के सामने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की और कही कि उनकी बेटी नाइट ड्यूटी का हमेशा प्रोटेस्ट करती थी। 10 पुरुष पदाधिकारी पुलिस पदाधिकारी थे लेकिन उनकी नाइट ड्यूटी लगाई गई। दूसरा बड़ा प्रश्न है, जिस जगह ये घटना हुई वो जगह डाहू है, वो तुपुदाना के इंटीरियर में है, तुपुदाना के मेन रोड पे नहीं है, वो एक प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। फिर एक आदिवासी निहत्थी पुलिस अफसर को बिना गन के 2 लाठीधारी सिपाहियों के साथ रात के 3 बजे क्यों भेजा जाता है जबकि ये वायरलेस सब जगह आया था, सारे थानों में आया था। मुझे बोलने दीजिए, मैंने नहीं टोका राकेश जी, राकेश जी देखिए, काजल जी, काजल जी उनमें जज्बा, सुन लीजिए राकेश जी, सुन लीजिए, जवाब आपको ही देना है, एक बार सुन लीजिए, जवाब आपको ही देना है। मैंने 10 मिनट राकेश जी को नहीं टोका, राकेश जी को, राकेश जी मुझे 3 मिनट तो बोलने दे, मैंने 10 मिनट आपको नहीं टोका। बिल्कुल परतूल जी, आप 5 मिनट बोले, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि प्रशासन को उसके जांच से ना जुड़े। मैं 1 मिनट में रैप अप कर रहा हूँ राकेश जी, सिर्फ 1 मिनट ध्यान रखें। मैंने एक बड़ा प्रश्न उठाया कि 10 पुरुष पदाधिकारी के रहते उन्हें क्यों भेजा गया, और दूसरा बात, वो नाइट ड्यूटी का प्रोटेस्ट करती थी, उनकी माँ ने जैसा बताया, फिर नाइट ड्यूटी क्यों लगाई गई। और तीसरा महत्वपूर्ण बात है मैडम, जो गायें थी उसमें गोवंश की तस्करी हो रही थी, पुलिस का रिकॉर्ड है, उन्होंने बताया कि गोवंश की तस्करी हो रही थी, 8 से 10 गायों के उस पिकअप ट्रक में होने की बात थी, वो गाय कहां गायब हो गई, वो गायों का कोई नामो निशान नहीं है। प्रशासन ने बहुत बड़ा कवर अप ऑपरेशन चलाया और इनका कहना था कि ये उड़ीसा से गाड़ी चली थी, तो हमारे पास जो खबरें हैं ये गाड़ी गुमला, ये पहले ही प्रशासन को पता थी कि ये गाड़ी आ रही है, ये 3 जिलों में गाड़ी जाती है, पुलिस रोकती नहीं जबकि इनके पास इनपुट था, ये गुमला जिला घुसी, फिर खुटी जिला गई, उसके बाद रांची गई, और रोकने के लिए किसको लगाया, एक निहत्थी पुलिस अफसर को 2 दंडाधारियों के साथ, जब इनके पास स्पेसिफिक इनपुट था कि ये उड़ीसा के बॉर्डर से गाड़ी रांची के एक मोहल्ले में जा रही है। इनके पुलिस पदाधिकारी आज बता रहे थे रांची के एक मोहल्ले में जा रही है गाड़ी, तो उस समय इन्होंने सिर्फ एक महिला पुलिस अधिकारी को निहत्थे क्यों भेजा, क्यों इनके पास जो इतना सैकड़ों जिप्सी पीसीआर और टाइगर, राकेश जी, आपको रात के 3 बजे जब उनकी माँ के अरे आप सुन तो लीजिए, कब तक आप लोग झूठ बोल करके, अपनी दुकानदारी चलाइएगा, कब तक झूठ बोल करके जनता को ठग करके, जनता को फरेब देकर आप लोग दुकानदारी चलाइए। उस महिला पुलिस को जात से जोड़ना, किसी धर्म से जोड़ना, ये भाजपा की सबसे घटिया मानसिकता है, सबसे घटिया मानसिकता है। आप उस महिला ईसाई का सम्मान कीजिए, आप उसको किसी जाति से ना जोड़े, वो महिला पुलिस पदाधिकारी का जो जज्बा था, जो उनका प्रतिबद्धता था, आप उसको सम्मान कीजिए। क्या बात करते हैं, आप एकदम ये बात सबको पता, राकेश जी सबको पता है, पुलिस वाले हौसलों के साथ हमेशा चलते हैं, उनके पास जज्बा होता है, ये बात राकेश जी, नहीं नहीं ये बात राकेश जी, बात सबको पता है, जवाब नहीं दे रहे आप, आप उनको किसी जात से ना जोड़े कि वो महिला आदिवासी थी, मतलब क्या होता है इसका, क्या सोच है भाजपा के लोगों का, क्या सोच है
कि अगर महिला आदिवासी पुलिस में नहीं जा सकती, बेटी पुलिस अफसर, ये है उनका आदिवासियों के प्रति प्रेम। अभी तो द्रौपदी मुर्मू के राकेश जी, आप बार बार बोल रहे हैं कि जज्बा था, हौसला था, ये बात सबको पता है, लेकिन ये क्यों हुआ है? जवाब इसका ढूंढना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए था। इस तरह से खाकी कितने हौसले के साथ वहां पर मौजूद है, महिला वहां पर कितने हौसले के साथ मौजूद थी, ये नहीं होना चाहिए था। इसका जवाब ढूंढिए, ये क्यों हुआ है राकेश जी, ये क्यों हुआ, इसका जवाब ढूंढिए ना, क्यों हुआ ये? मैं भी इसी बात को कह रहा हूँ। गौ तस्करी हो रही थी वहाँ पर गौ तस्करी हो रही थी, जिस पर लगाम लगानी बहुत जरूरी है। वो भाजपा की सरकार थी, हरियाणा वाली घटना पर भी प्रतिक्रिया देते हैं कि एक माइनिंग माफिया ने एक एसएसपी को मार देता है, माइनिंग माफिया एसएसपी को मार देता है। राकेश जी ठीक है, जवाब नहीं दे रहे हैं राकेश जी, ठीक है। रेखा जी, मेरा सवाल आपसे होगा, हमने हरियाणा को भी देखा है, हमने रांची को भी देखा है, पुलिस पूरे हौसले के साथ खड़ी रहती है, अपनी ड्यूटी निभाती है, ईमानदारी की मिसाल दी जाती है, और वो ईमानदारी नजर भी आती है, वो ईमानदारी दिखती भी है, लेकिन इस तरह से कुचल दिया जाता है उस ईमानदारी को, उसके बाद दुख होता है जी काजल, मैं आपकी और बात फिर से उस पर अगर सवाल किया जाता है, सत्ताधारी नेताओं से सवाल किया जाता है, तो उनका कहना होता है कि विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है। जी काजल, नमस्कार आप सभी को। मेरा सवाल बस इतना ही है, महिला चाहे राजस्थान की हो, यूपी की हो, झारखंड की हो, महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। संविधान में कानून बने हैं, प्रियम्बल है, डीपीएसपी है, फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, सब कुछ है, लेकिन उसका सही तरीके से जो क्रियान्वयन होना चाहिए वो नहीं है। जब किसी भी महिला का रेप होता है तो हमारी सांसद महोदया कहती हैं कि औरतों को रात के 9 बजे नहीं निकलना चाहिए था, तो वही औरतों को रात के 9 बजे आप ड्यूटी लगाती हैं, जबकि आपके पास ऑलरेडी पुलिस वाले थे, आपने उनकी ड्यूटी नहीं लगाई और आपने एक महिला एसआई की ड्यूटी लगा दी। और अगर आपने ड्यूटी उनकी लगाई तो उन्हें निहत्था क्यों दिया? और उनके साथ और भी जो थे वो सिर्फ उनके पास लाठियां थी। यहाँ मामला बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, गौ तस्करी का मामला है, वो गौ मांस पाया गया नहीं पाया गया मैं इस बीच में नहीं पढ़ूंगी, लेकिन बात बेटियों की सुरक्षा की है तो हमारी झारखंड सरकार इसमें नाकाम हो रही है। ठीक है प्रतुल जी, नूह में डीएसपी को कुचला गया है, जवाब दीजिए, खाकी अगर रांची में सुरक्षित नहीं है तो हरियाणा में कौन सी सुरक्षित है? नहीं नहीं, हरियाणा की घटना भी बिल्कुल दुखद है। अगर सवाल आप उठाते हैं तो जवाब आपको भी देना होगा। काजल जी आप बिल्कुल सही कर रही हैं, हरियाणा की भी घटना का कोई जस्टिफिकेशन नहीं, लेकिन वहाँ जिस तरीके से प्रशासन ने काम किया, जिस तरीके से राज्य सरकार का डंडा चला, वो यहाँ देखने को नहीं मिल रहा। 18-19 घंटे हो गए साहब, और एक सिर्फ ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई है और ये सरकार पीठ थपथपा रही है कि हमने ड्राइवर की गिरफ्तारी कर ली। अभी तक इन्होंने जवाब नहीं दिया कि एक उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में रात के 3 बजे एक महिला पुलिस अफसर को ये निहत्था क्यों भेजते हैं? आप क्या आमंत्रित कर रहे थे? मुझे लगता है ये सिस्टम के द्वारा की गई हत्या। उन्होंने तो गाड़ी चलाई लेकिन सिस्टम ने तो पहले ही हत्या कर दी थी। आप एक निहत्थी बेटी, निहत्थी पुलिस अफसर को 2 डंडा वाले पुलिस वालों के साथ 3 बजे लेकिन वहाँ प्रशासन और सरकार का डंडा चलता दिख रहा है। यहाँ एक से ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई है, आपको क्या लगता है 3 जिलों की पुलिस को ये कह रहे थे, इनके पास पूरा इनपुट था कि झारखंड में इंटर कर रहे हैं उड़ीसा से, गुमला की पुलिस नहीं पकड़ी, खूंटी की पुलिस नहीं पकड़ पाई, अंत में जाके तुपुदाना में रात के 3 बजे एक बेटी को कुचल दिया गया। ये शर्म आने लायक वारदात है। माननीय मुख्यमंत्री जी का घर 300 मीटर दूर है जहां जिनको सलामी दी गई पुलिस लाइन में, विपक्ष के नेता मौजूद थे, सत्ता पक्ष का एक भी नुमाइंदा नहीं था, माननीय मुख्यमंत्री जी भी नहीं गए। वो झारखंड की बेटी थी, वो एक आदिवासी बेटी थी जिसके सपनों को पंख लग रहे थे, ये पंख कतर दिए गए पहले भी, और उनके आंसू पोछने के परिजनों के कोई नहीं गया। आज चैनल में बैठकर ये बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे, लेकिन क्या इनसे दिल में हाथ रख के बोलने चाहिए, क्या ये लोग गए थे आंसू पोछने? क्या साथ खड़े दिखे थे? कोई नहीं था। जब इस तरह की घटनाएं होती है ना, तो इन्होंने बिल्कुल सही कहा, मैं आपकी पैनलिस्ट की बात सुन रहा था, बेटियां सच में असुरक्षित हैं,
लेकिन यहाँ तो एक बेटी जो पुलिस अफसर है वो झारखंड में जब सुरक्षित नहीं है तो फिर आप और दूसरी चीज का रियलिटी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। और जिस तरीके से गायों की तस्करी हो रही थी और वो गाय गायब हो गई, एक भी गाय नहीं मिली, तो ये कौन सा वाकया, ये कौन सा कवर अप चल रहा है? ये पूरे घटनाक्रम में अभी तक जब हम चैनल में डिस्कशन के लिए बैठे हैं तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं किया, जबकि मौका वारदात पर दो लाठीदारी सिपाही थे उनके बयान को लेकर एफआईआर दर्ज। प्रतुल जी क्या ऐसा नहीं है कि हरियाणा में चाहे सरकार कोई भी रही हो, सरकार चाहे कोई भी रही हो, ये अवैध खनन थमता नहीं है, इस पर रोक लगती नहीं है, उसका खामियाजा डीएसपी को भुगतना पड़ा है? नहीं देखिए, उस समय डीएसपी साहब सुनकर बैठे, उसके बाद जो इस तरह की घटना हुई वो बहुत, मैंने कहा ना, निंदनीय, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता, हमारी ही सरकार है साहब। लेकिन हम मानते हैं वहां जिस तरीके का रैकेट हुआ या जिस तरीके से डीएसपी ने रोकने की कोशिश की वो बहुत ही चिंताजनक है। लेकिन सरकार का एक बात देखिए, सरकार ने 24 घंटे के भीतर माफियाओं जो किंग पिन थे नेटवर्क के उनको पकड़ा, एक ड्राइवर को पकड़ के शाबाशी नहीं ली, प्रशासन का डंडा चला, सरकार का एक बाल दिखा, पुलिस का खौफ दिखा। लेकिन झारखंड में क्या हो रहा है, पुलिस का ना खौफ दिख रहा है, ना सरकार का इकबाल दिख रहा है, ना किसी तरीके से। ठीक है रेखा जी, दोनों ही घटनाओं पर आपकी प्रतिक्रियाएं चाहिए, दोनों ही जगह पर, चाहे रांची हो या फिर हरियाणा हो, कहा तो जाता है बार बार कि पुलिस का इकबाल बुलंद हो, पुलिस का इकबाल कायम होना चाहिए, लेकिन हरियाणा से लेकर रांची तक सिर्फ और सिर्फ बातें होती हैं, वो इकबाल कायम दिखता नहीं है, वो इकबाल कायम नजर नहीं आता, ये सिर्फ बातों में ही रहता है, लास्ट में क्या होता है, शहादत। जी काजल जी, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों तो अपनी अपनी राजनीति करेंगे ही, लेकिन खाकियों को और मजबूत करने की जरूरत है। संविधान में नए नए संशोधन होते रहते हैं और उसको उसका सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं होता है, जिस वजह से जो हमारी डीएसपी रही और हमारी जो महिला दारोगा हैं, बात आदिवासी बेटियों की है ही नहीं, बात तो बेटियों की है ना, चाहे आदिवासी हो या फिर कहीं की भी बेटियाँ हों, नॉर्थ ईस्ट की हों, मैटर तो ये है कि बेटियों को सुरक्षित करने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं, उन्हें सुरक्षा दिया जाए, कहीं बेटियां जला के मार दी जाती हैं, कहीं बेटियों को गला काट के मार दिया जाता है, पेड़ से लटका दिया जाता है, सिर्फ कानून की किताबों में कानून बने हैं, लेकिन उन्हें क्रियान्वयन कौन करेगा? अभी तो सभी जाएंगे उनके घर, महिला दारोगा के घर जाएंगे, बेटी हमारी थी, आदिवासी बेटी थी, लेकिन क्या इस पर कुछ वो कठोर कदम उठाएंगे? प्रतुल जी, ठीक है ठीक है, प्रतुल जी, हरियाणा में क्या इस समय कोई तैयारी चल रही है पुलिस को लेकर, ताकि आने वाले समय में पुलिस खुद को लेकर सुरक्षित महसूस कर सके? क्योंकि जाहिर सी बात है, ये जो घटना हुई है, ये जो शहादत हुई है, डर पुलिसकर्मियों के अंदर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आम जनता के अंदर भी डर है, तो क्या सरकार की कोई तैयारी अब ऐसी देखने को मिलेगी जिसकी वजह से पुलिसकर्मी खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे इस घटना के बाद, क्योंकि डर है, मानिए या फिर मत मानिए? देखिए, गृह मंत्री जी ने हरियाणा के स्पष्ट कहा था कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, और ये जो उनका कथन था वो कर्म में दिखा, और जितने किंग पिन से पकड़े गए, माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य आया कि जितने लोग पकड़े गए हैं इनको हम स्पीडी ट्रायल के जरिए 6 महीने के भीतर सजा दिलाएंगे, और कोर्ट ने भी उनकी इस याचिका को मान लिया और सारे केसेस जो है वो स्पीडी ट्रायल कोर्ट में तब्दील हो गए। देखिए, पुलिस वालों का अगर आपको मनोबल बढ़ाना है तो ऐसी घटना अगर होती है तो इसके दोषियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि कभी भी कोई इस तरीके का दुस्साहस करने की सोच नहीं सके। लेकिन अफसोस, झारखंड में क्या हो रहा है, 18 घंटे बीत गए, रात के 3 बजे की वो घटना थी, मैं रेखा जी को सुन रहा था, उन्हें शायद गलतफहमी होती कि 9 बजे की घटना थी, ये रात के 3 बजे की घटना थी। आप 3 बजे सोचे, जिस नक्सल प्रभावित क्षेत्र में दिन में गाड़ियां नहीं चलती, रात में इनको भेज दिया गया, वो भी नहीं हटते, तो ये सरकार का इकबाल दिखता। अगर आज किंग पिंस तक ये सरकार पहुंचती, माननीय मुख्यमंत्री जी पीड़िता के घर जाते, एक बड़ा मैसेज जाता कि पूरी की पूरी सरकार पुलिसकर्मियों के साथ खड़ी है। आज तो माननीय मुख्यमंत्री की छोड़ दीजिए, उनका एक विधायक है, उनका एक सांसद है, उनका एक मंत्री भी नहीं दिखा, तो लोकलिज्म सरकार को पीड़िता के साथ खड़े रहना। उम्मीद करेंगे पुलिस खुद को सुरक्षित महसूस करेगी आने वाले समय में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रेखा जी, प्रतुल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अवैध खनन लगातार किया जा रहा है, गौ तस्करी लगातार फल फूल रही है, लेकिन सरकार का इकबाल बुलंद हो, पुलिस के लिए लगातार दावे किए जाते हैं कि पुलिस का इकबाल कायम है, लेकिन आखिरकार जब ऐसी घटनाएँ होती हैं तो पुलिस को, खाकी को उसमें शहादत देनी पड़ती है, और जब उस पर सवाल पूछा जाता है राजनीतिक दलों से तो कहा जाता है कि विपक्ष इस पर राजनीति करता है। बहुत शुक्रिया आपका, देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।